जस्ट अ मिनट, रुको। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है एंड ऑल, बट स्टिल एज आई मेंशन कि लोग नहीं मान रहे थे, अभी नहीं मान रहे थे तो ऑब्वियसली वी हैव टू डू समथिंग एक्स्ट्रा टू प्रूव दैट। सो टू प्रूव द फर्दर थिंग्स, थ्री साइंटिस्ट केम इन अ पिक्चर, उनका नाम था एवरी, मैककार्टी एंड मैकलियॉड। ओके, सो द एक्सपेरिमेंट का नाम इज एवरी मैककार्टी एंड मैकलियॉड एक्सपेरिमेंट। तो ये तीनों भी, एवरी मैककार्टी एंड मैकलियॉड, दे वर US microbiologists, and they actually provided the first evidence to prove that DNA is the genetic material. That is, जो transforming principle की बात Griffith ने किया था, Griffith was not clear कि transforming principle exactly है क्या, वो protein है या DNA है या RNA है? That was not said. He just said okay, something is getting transformed. कुछ ना कुछ तो जा रहा है from S to R, but क्या जा रहा है वो मुझे नहीं पता। And that's why that's something he called as transforming principle. But then Avery McCarty and MacLeod proved that this particular thing जो Griffith ने transforming principle बोला था is actually a DNA. So if you see the year Griffith experiment was performed in 1928, और उसके बाद now Avery McCarty performed in 1944, like after almost 16 years, मतलब वो लोगों ने ये experiment perform किया था। What is the major difference between the like जो उसका foundation experiments that was based on Griffith experiment only, कि that R and S type bacteria they will be using and all, but the only difference was this particular experiment was perform in a test tube basically. So there was no bacteria or typical mice directly, like bacteria was involved obviously because हम लोगों को check करना था कि क्या transform हो रहा है, but there was no mouse involved. So हम लोग ने ये test tube ऐसे किया था, मतलब test tube ने check किया था कि क्या हो रहा है exactly. So what they did, उनको समझा था कि okay, जो भी transform हो रहा है वो किससे हो रहा है, जो hit kill S था वहां से ट्रांसफॉर्म हो रहा है, और किस में जा रहा है वो आर में जा रहा है। तो उन्होंने क्या किया, जो भी सेल के इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स थे विच इंक्लूड्स डीएनए, आरएनए, प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, ये सबको निकाल लिया। ओके, दे प्यूरिफाइड द डीएनए, आरएनए, प्रोटीन्स एंड अदर मटेरियल्स फ्रॉम द सेल एक्सट्रैक्ट ऑफ द एस बैक्टेरियम और एस स्ट्रेन। ओके, अभी निकाल तो दिया, एंड देन व्हाट दे वांटेड टू डू, इसमें से कौन सा ऐसे मटेरियल है among the all these particular particles ki jo actually transform kar raha hai s ko, sorry, jo actually transform kar raha hai r ko to s vector, s strain basically. ek minute, so टू चेक दैट उन्हें क्या कर दिया, ये जो भी इन्होंने एक्सट्रैक्ट कर दिया था उसको मिक्सअप कर दिया विद द हिट किल स्ट्रेन एंड द आर सेल सेपरेटली। ओके, टू कंफर्म कि जो कौन सा ऐसा कंपोनेंट है जो लिविंग आर को कन्वर्ट कर रहा है एन टू द एच टाइप, एंड देन जब उन्होंने हर एक ट्यूब में से उसे क्या किया, एक ट्यूब में उन्होंने डीएनए रखा, एक में आरएनए रखा, एक में प्रोटीन रखा, एक में लिपिड रखा, एक में कार्बोहाइड्रेट रखा, और सब में उन्होंने ऐड किया दिस पर्टिकुलर लिविंग आर सेल एंड इवन द हिट किल सेल्स, एंड देन उन्होंने चेक किया कि इसमें से कौन सा ट्यूब में एस आर का कन्वर्जन हो रहा है इनटू एस, एंड दे फाउंड दैट जो ओनली डीएनए वाला ट्यूब था, ओनली दैट ट्यूब हैड शोड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आर टू एस। सो दैट्स फ्रॉम दैट they concluded that okay, DNA is something which is getting transformed. So this is just a diagrammatic representation how they performed the experiment. Okay, so this is the hit kill, you can see jo hit kill is strain of the bacterium, उन्होंने उसको मिक्स किया, उन्होंने उससे सब एक्सट्रैक्ट किया, क्या क्या एक्सट्रैक्ट किया, पॉलीसैकेराइड्स मतलब कार्बोहाइड्रेट, देन प्रोटीन्स निकाला, लिपिड्स निकाला, आरएनए निकाला, डीएनए निकाला, एंड वो सब में उन्होंने डाल दिया
दिस लिविंग आर स्ट्रेन. सो यू कैन सी जब पॉलीसेक्राइड था और उसमें मैंने आर स्ट्रेन डाल लिया, डेड. प्रोटीन डेड, लिपिड डेड, डीएनए डेड, सॉरी आरएनए डेड, डीएनए लिविंग. सो ओनली जो उसका आई एम सॉरी जस्ट forget this for a minute. Okay. Yeah. So they observed that ki, okay, only jo DNA wala tube tha, only that tube was able to convert the hit kill क्या बोलते हैं जो हिट किल एस बैक्टीरियम इनटू द आर बैक्टीरियम. ओके सो आइडियली यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है डायग्राम में. ये जो स्टार्टिंग का जो डेड डेड लिखा है दैट ऑल शुड बी लिविंग 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 एंड ओनली द लास्ट का जो लिविंग है वहाँ पे डेड चाहिए. द इमेज इज हैविंग सम प्रॉब्लम तो एक रुपये देख रहे थे बस ठीक है. सो बट आई होप यू अंडरस्टैंड कि क्या कहना है कि अगर हमने प्रोटीन डाला तो भी कुछ चेंजेस होने नहीं वाला है. अगर आरएनए डाला तो कोई चेंजेस होने नहीं वाला है. बट अगर मैंने उसमें डीएनए डाला तो ऑब्वियसली डीएनए विल चेंज द आर बैक्टीरियम एंड दैट्स हाउ इट विल कॉज द डिजीज. सो स्टिल पीपल वर नॉट कन्विंस्ड कि डीएनए इज नॉट. सो उन्होंने क्या किया, दे यूज डिफरेंट एंजाइम्स टू प्रूव दैट कि ओके मतलब क्या इफेक्ट है दिस पर्टिकुलर कंपोनेंट्स का ऑन अ बेसिकली उसका on R bacterium basically. So these enzymes were RNase, DNase and RNase, DNase and proteins. So now what are these particular enzymes? So proteins kya hote? The enzymes which actually digest proteins. So the protein, that's why it is called as protease. Matlab wo proteins ko digest karte hain. RNS क्या होते हैं? The enzymes which digest RNA. That's why it is called as RNS. And then the third important is DNA. मतलब the enzymes which actually digest DNA. So उन्हें क्या किया? They added protease and RNAs also into the system. Okay. So क्या हुआ? Even though हमने protease and RNAs डाल दिया था, तो obviously protease and RNAs will degrade the protein and RNA. But they observed that even the protease and RNAs are degrading the proteins and RNA which we have taken from S bacterium, still the bacteria was transforming the R strain to the S strain. Matlab even the RNA and DNA RNA and protein present nahi honge, still transformation was happening. मतलब transformation किसी और के वजह से हो रहा है, ना कि protein and RNA के वजह से हो रहा है. Then वो किसके वजह से हो रहा है देखने के लिए again they added something called as DNA. So this time they observed that DNA degraded all the DNA from the system. So the transformation did not happen. मतलब it inhibited a transformation. मतलब DNA ही is something जो actually transformation कर रहा था and even though so finally I hope now you understand. उन्होंने RNAs डाला, RNAs ने सब RNAs को degrade कर दिया, still the bacteria was developing pneumonia. Okay, और वो मर रहा था. Then उन्होंने protease डाला, still the bacteria was so protease ने सब proteins को degrade कर दिया, still the bacteria was developing pneumonia and वो मर रहा था. But जब उन्होंने DNAs डाला DNA ने सब DNA को डिग्रेड कर दिया, इट मीन्स देयर इज नो DNA, इट मीन्स ऐसा कुछ भी नहीं है सिस्टम में अभी कि जो DNA जो S-kill स्ट्रेन से R में ट्रांसफर होगा, फिर ट्रांसफॉर्म करेगा उसको. एंड दैट्स हाउ द बैक्टीरिया विल नाउ नॉट कॉज एनी डिसीज एंड द माउस विल सर्वाइव. सो नाउ यू कैन सी इन दिस पर्टिकुलर केस. ओके द डायग्राम, हमारे पास नॉन मिरुलेंट R स्ट्रेन है और हिट किल स्मूथ S स्ट्रेन है. ओके हमने क्या किया, इन वन केस हमने उसमें प्रोटीएज ऐड कर दिया, प्रोटीएज ऐड कर दिया तो भी माउस जिंदा है, सॉरी सो द स्टिल द माउस इज डेड. आई एम सॉरी स्टिल द माउस इज डेड. व्हाई?
because protease will only degrade the proteins, but the system will still have the DNA. Okay, so DNA will get transformed. However, in second case, जब हमने उसमें DNA डाला, so DNA will degrade all the DNA in a system, and that's why there will be no transformation. And that's why अगर DNA ही नहीं है उसके पास जो actually disease cause करने वाला है, so obviously the mouse will not develop the pneumonia, and that's why the mouse will be alive. So you can see in this case the mouse is alive. Okay, and that's what they prove. See? That's how they prove that DNA is actually getting transformed and not the protein, RNA or any other biological components. But still, these experiments, though they proved that okay, transforming principle is DNA and DNA can be a genetic material, not everyone was convinced. So still people were raising questions ki nahi, tumne jo kiya hai, wo trust nahi kar sakte karke, it is not having enough data ya fir it is not reliable to trust. So we need more support. So still मतलब ठीक है, तो at least now we if you just compare 1928 में जब Griffith ने experiment किया था, at that time he just could prove कि okay something is getting transformed and that transforming something he called as a transforming principle. But हमें पता नहीं था कि वो exactly क्या कौन सा biomolecule है, is it protein है या DNA है या RNA है, वो पता नहीं था. But then because of the Avery MacLeod experiments, at least we got to know क्योंकि among the different biomolecules जो जिसमें lipids आते हैं, RNA है, DNA है, protein है, DNA is a genetic material. मतलब हमने थोड़ा और narrow down हो गया. But even though now we could prove that DNA is a genetic material, not all biologists were convinced. So obviously we have to give some extra now और थोड़ा data and और थोड़ा proof कि okay this is what we want to prove. And that's why the new and the final experiment came in the picture. That is the Hershey-Chase experiment. So before going to Hershey-Chase experiment, just let me know कि तुम लोगों को ये समझा है या नहीं समझा. Hello. Do you all understood what I just said about the Avery MacLeod experiment? हेलो. हाँ बोलो. सर आप. हाँ बोलो, मेरा आवाज ब्रेक हो रहा है. हेलो. आवाज ब्रेक हो रहा है. तुम चैट बॉक्स में इफ हैव एनी क्वेश्चन तुम चैट बॉक्स में लिख सकते हो, तो दैट मैं देख सकूं. बिकॉज हमारे आवाज नहीं आ रही है. Whoever is talking, आवाज नहीं आ रही है, प्लीज चैट बॉक्स यूज करो अगर नेटवर्क प्रॉब्लम है तो. हेलो. Yeah, great. So, समझाए. So let's go to the next stage now. What is the last experiment जिसने finally prove कर ही दिया कि हाँ DNA is a genetic material. So that is proved by the two scientists who performed the experiments. The name was Alfred Hershey and Martha Chase. And that is in the year of 1952. Just देखो there are multiple experiments जो हो रहे थे in between. But these three experiment जो कि Griffith का एक था जो 1928 में हुआ था, या फिर then Avery MacLeod McCarty का जो 1944 में हुआ, and then finally this Alfred and Hershey and Martha Chase का
1942 दिस आर लाइक द सिग्निफिकेंट माइलस्टोन यू कैन से कि हां उन्होंने बहुत कुछ सिग्निफिकेंट डेटा दिया था इन बिटवीन देयर आर मल्टीपल एक्सपेरिमेंट मल्टीपल थिंग्स वेयर देयर बट देन देयर वाज नॉट दैट मतलब ठीक है हुआ था आई वोंट से कि इंपॉर्टेंट था इंपॉर्टेंट दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट बट ये तीन मतलब बहुत सिग्निफिकेंट है दैट्स व्हाई हम लोग ये तीन पढ़ रहे हैं अभी सो नाउ फाइनली अल्फ्रेड महर्षि एंड नॉर्मल केस प्रूव दैट डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल एंड नॉट प्रोटीन्स And what they, how they proved that? They proved it using a typical viruses called as bacteriophages. You know what are bacteriophages? Bacteriophages are the viruses that affects the bacteria, and they are actually composed of DNA and the protein. So, bacteriophages ke paas sirf andar nucleic acid rehta hai. That is, they either have a DNA or RNA, and unke upar se ek protein coat rehta hai. That's all. Now, how they did experiment? उन्होंने क्या use किया था for doing this experiment? So, they used two typical radioactive elements. So, उन्होंने radioactive phosphorus use किया था, which is P32, and radioactive sulfur use किया था, which is H35, and which was added into the medium to grow the bacteria, to grow the viruses basically. Okay, so this is just a background. Okay. हर्षी एंड चेस ने फाइनल प्रूफ दिया था कि डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल फर्स्ट पॉइंट सेकंड हाउ दे यूज इट दे यूज बैक्टीरियोफेजेस फॉर परफॉर्मिंग दिस एक्सपेरिमेंट व्हाट आर बैक्टीरियोफेजेस दीज आर द वायरसेस दैट इन्फेक्ट द बैक्टीरिया एंड देन कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन एंड डीएनए नाउ एंड दे यूज टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स जो कि फॉस्फरस and sulfur okay so now before going exactly experiment kaise kiya tha it is not that difficult but thoda bahut focus karna padega just recall few basic concepts so just to recall what are that dna kya hota hai so dna is basically a polynucleotide jo bahut sare nucleotides se compose hota hai and nucleotide kisse banta hai nucleotide is composed of deoxyribose sugar nitrogenous base and phosphate group This phosphate group is important because this tells us yeah DNA ke paas kaun sa component hai phosphorus bhi hota hai and proteins kya hote hain proteins are the long chain they are composed of amino acids and few of the amino acids contains sulfur so which are those amino acids basically the methionine and the cysteine are the two amino acids which contains sulfur however cysteine is a major amino acid which is like sulfur containing amino acid why because it is actually involved in a disulfide bond formation methionine is not involved in a disulfide bond formation however cysteine is involved in a disulfide bond formation so that is okay this is just information for your knowledge but what you need to understand you can see dna ke paas phosphorus hai but sulfur nahi hai However, proteins के पास सल्फर है बट फॉस्फरस नहीं है एंड दैट्स व्हाई हर्षी एंड चेस चोज दिस पर्टिकुलर रेडियोएक्टिव एलिमेंट रेडियोएक्टिव फॉस्फरस एंड रेडियोएक्टिव सल्फर टू परफॉर्म देयर एक्सपेरिमेंट्स व्हाई बिकॉज इट्स गिव्स अ काइंड ऑफ स्पेसिफिसिटी अगर मेरे कंपोनेंट में रेडियोएक्टिव फॉस्फरस गया है इट मीन्स आई विल से हाँ इट इज डीएनए व्हाई बिकॉज डीएनए के ही पास फॉस्फरस होता है एंड अगर मेरे कंपोनेंट के पास रेडियोएक्टिव सल्फर गया है देन आई विल से कि या इट इज प्रोटीन बिकॉज प्रोटीन्स के ही पास सल्फर होता है नॉट डीएनए के पास बिकॉज हमारा मेजर कंफ्यूजन क्या है कि इज इट डीएनए और इज इट प्रोटीन सो वी हैव टू सिलेक्ट वन आउट ऑफ टू एंड दैट्स व्हाई ऑल दीज एक्सपेरिमेंट्स आर परफॉर्म सो आई होप यू अंडरस्टैंड द मेजर थिंग यू जस्ट नीड टू कीप इन माइंड दैट डीएनए के पास फॉस्फेट ग्रुप होता है एंड प्रोटीन के पास द सल्फर होता है ओके So, how they perform or how they prove DNA is a genetic material? क्या किया था उन्होंने एक जरिए? So as we know, उनके पास दो different types के radioactive elements थे. तो उन्होंने क्या किया? दो types का media बनाए, मतलब दो अलग-अलग media बनाए. एक media में उन्होंने add किया radioactive phosphorus और एक media में add किया radioactive sulfur. Then, जो उन्होंने radioactive
फास्फोरस और रेडियोएक्टिव सल्फर वाले मीडिया बनाए थे, उन पे उन्होंने कुछ वायरसेस को ग्रो किया. ओके सो सेपरेटली नॉट मिक्स में. तो जो फास्फोरस वाला मीडिया था उस पर कुछ वायरसेस को ग्रो किया और जो सल्फर वाला मीडिया था उस पर कुछ वायरसेस को ग्रो किया. सो नाउ एज वी नो एज द पर्टिकुलर मीडिया कंटेन्स रेडियो एक्टिव एलिमेंट, तो जब भी ये वायरस ग्रो हो रहे थे सो बिकॉज ऑफ द रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को वो लोग खा रहे थे बेसिकली बिकॉज वो मीडिया पे प्रेजेंट थे. सो फॉर ग्रोथ दे वर यूजिंग द मीडिया एंड अल्टीमेटली द रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स वर एंटरिंग द बॉडी. ओके सो एज वी ऑल नो कि फॉस्फोरस इज अ पार्ट ऑफ डीएनए. सो जब भी जो भी वायरस जो एक्चुअली द रेडियोएक्टिव फॉस्फोरस कंटेनिंग मीडिया पे ग्रो हो रहे थे दे वर टेकिंग अप द फॉस्फोरस फ्रॉम द मीडिया. एंड फॉस्फोरस किसके लिए चाहिए होता है? डीएनए के लिए. सो इट वॉज ऑब्जर्व दैट कि इन द इन दोज पर्टिकुलर वायरसेस जो द सिर्फ डीएनए था दैट वॉज रेडियोएक्टिव, मतलब उसका रेडियो उसका डीएनए वॉज लेबल्ड और रेडियोएक्टिव, बट उनके जो प्रोटीन थे वो रेडियोएक्टिव नहीं थे. व्हाई? Because phosphorus will be only present in a DNA and not in a protein. So that's why this particular viruses which were growing on a radioactive phosphorus containing media were having the radioactive DNA. In a similar way, जो viruses थे जिनको हमने radioactive sulfur पे grow किया था उनका जो DNA था वो normal था और उनके जो proteins थे they were having the radioactive sulfur. Why? Because sulfur is present in only proteins and not in a DNA. Okay? Now, I hope you understand. Viruses say, ek ke paas hai radioactive DNA, ek ke paas hai sulfur. Okay? Radioactive sulfur containing proteins basically. Okay? So now, ye dono bhi types ke jo बैक्टीरिया वायरसेस थे उनको उन्होंने ले लिया एंड दे मेड इट टू इन्फेक्ट ऑर्गेनिज्म कॉल्ड एज ई कोलाई, बट नॉट एट अ सेम टाइम सेपरेटली. ये दोनों भी एक्सपेरिमेंट साइमल्टेनियसली किए गए थे इन अ डिफरेंट सिस्टम बेसिकली, इन अ डिफरेंट वे, नॉट डिफरेंट वे लाइक सेपरेटली नॉट टूगेदर बेसिकली. सो उन्होंने उसको वो सब रेडियोएक्टिव फाजेस जो भी थे अपने पास उनको अलो किया टू इन्फेक्ट द ई कोलाई बैक्टीरिया. एंड but this particular E. coli bacteria, it was growing on a medium which was containing a normal phosphorus and a normal sulfur, because even E. coli requires phosphorus and sulfur for its growth. But this time we are not providing any radioactive element. What we are providing? We are just providing a normal element. Jo radioactive elements the wo kiske paas hai for now? Only in case of viruses. Okay, so as the infection proceeded, जो उसका डीएनए होता है कभी भी जब कोई भी वायरस इन्फेक्ट करता है वो कैसे करता है? वो पहले आके अटैच होता है टू द ऑर्गेनिज्म. अटैच होने के बाद वो अपना जो डीएनए या फिर आरएनए होता है वो होस्ट के अंदर इंजेक्ट कर देता है. और सिर्फ जो डीएनए या फिर आरएनए और टू बी मोर प्रिसाइज जो भी उसका न्यूक्लिक एसिड रहता है सिर्फ वो ही जाता है होस्ट के बॉडी के अंदर, और जो उसका प्रोटीन कोट रहेगा वो बाहर ही रहता है और बाद में वो निकल जाता है. ये जो प्रोटीन कोट रहता है जिसका डीएनए ऑलरेडी अंदर गया है ऐसे प्रोटीन कोट को हम लोग बोलते हैं घोस्ट, GHOST, घोस्ट. आई डोंट नो तुमने लाइटिक साइकिल 11 में किया है या नहीं किया है, बट आगे जाके शायद हम लोग वापस से वो पढ़ेंगे इन कोई ना कोई चैप्टर में. बट दिस पर्टिकुलर प्रोसेस इज अ पार्ट ऑफ लाइटिक साइकिल. सो फॉर नाउ लेट्स नॉट गो इन लाइटिक साइकिल, बट आई होप यू अंडरस्टैंड. ओके, हमने इकोलाई लिए दो डिफरेंट फ्लास में लेट से, एक में हमने डाल लिया रेडियोएक्टिव डीएनए वाला वायरस, एक में हमने डाल दिया रेडियोएक्टिव प्रोटीन वाला वायरस, और दोनों भी बोला कि इन्फेक्ट करो. अभी तो वाला वायरस था रेडियोएक्टिव डीएनए डाल लेगा सेल्स के अंदर और उसका जो प्रोटीन कोड रहेगा वो बाहर रहेगा जो कि नॉर्मल है. हाउएवर इन अ सेकेंड फ्लास जो उसका नॉर्मल अब इसके पास डीएनए इज नॉर्मल तो उसके नॉर्मल डीएनए है वो जाएगा अंदर. हाउएवर द प्रोटीन विल रिमेन आउटसाइड ओनली. ओके, तो उन्होंने क्या किया, दे जस्ट सेंट्रीफ्यूज द थिंग सो दैट जो उनका जो रिमेनिंग मटेरियल है जो भी प्रोटीन कोट बाहर रह रहे उनको निकालने के लिए, एंड उसका फिर एनालिसिस किया. तो जब उन्होंने इकोलाई को चेक किया व्हाट दे फाउंड, इकोलाई के पास
रेडियोएक्टिव लेबल डीएनए था व्हेन दे हैव इन्फेक्टेड इट विद यूजिंग अ रेडियोएक्टिव डीएनए वाला वायरस. इट मींस द वायरस कैन पास ऑन और ट्रांसफॉर्म अ डीएनए टू द इकोलाई बट नॉट द प्रोटीन, बिकॉज उनके पास रेडियोएक्टिव सल्फर नहीं था, सिर्फ रेडियोएक्टिव डीएनए था. इन अदर केस द बैक्टीरिया वॉज वेरी नॉर्मल, उसके पास ना तो रेडियोएक्टिव सल्फर था ना तो रेडियोएक्टिव प्रोटीन फॉस्फोरस था. व्हाई? बिकॉज फॉस्फोरस वॉज इन द डीएनए, बट इन केस ऑफ सल्फर कंटेनिंग लाइक द रेडियोएक्टिव सल्फर कंटेनिंग वायरसेस डीएनए वॉज नॉर्मल, और जो भी उसका सल्फर था रेडियोएक्टिव वो किस में था? प्रोटीन्स में था. बट देन प्रोटीन्स तो अंदर जा ही नहीं सकता, तो ऑब्वियसली वो बाहर ही था. सो व्हाट दे डिड, उन्होंने जो उसका बचा हुआ रहता है मतलब जो बाहर का कंपोनेंट जो वाटरी पार्ट रहेगा उसको भी लिया और चेक किया, एंड इन दैट केस दे फाउंड दैट कि जो सुपरनेटेंट है उसका दैट एक्चुअली कंटेन्स द रेडियोएक्टिव सल्फर. इट मीन्स दे प्रूव दैट कि ओके डीएनए इज ओनली द मटेरियल व्हिच इज एक्चुअली पासिंग फ्रॉम one cell to the other cell, in this case in from virus to the bacteria, and that's why genetic material is DNA and not protein. I hope you understand. Now just look at this diagram and you will get a better idea kya jo ki main bol raha hu uske bare mein. Now in this case these are the typical बैक्टीरियोफाज का स्ट्रक्चर. ओके, उसका रहता है हेड, मिडल पार्ट एंड द टेल. तो यू विल सी ये जो रेड कलर का एंड पार्ट है, द रेड इंडिकेट्स रेडियोएक्टिव सल्फर व्हिच इज जनरली प्रेजेंट इन अ प्रोटीन, एंड वी ऑल नो बैक्टीरियोफाज का बैक्टीरिया फाज के पास दो कंपोनेंट्स रहते हैं, न्यूक्लिक एसिड एंड द प्रोटीन. सो इन दिस केस द प्रोटीन्स आर रेडियोएक्टिव, और इन अ सेकंड केस यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो इसके पास रेडियोएक्टिव प्रेजेंट है एंड बाकी जो भी उसका मटेरियल है दैट इज नॉर्मल. ओके, सो इन दिस केस जस्ट फॉर योर मतलब बेटर अंडरस्टैंडिंग, जो रेड कलर है दैट इंडिकेट्स रेडियोएक्टिविटी. ओके, मैंने क्या किया, दोनों भी बैक्टीरिया फाज को लिया एंड आई मेड इट टू इन्फेक्ट द इकोलाई. तो यहाँ पे भी देख सकते हो इकोला है और यहाँ पे भी इकोला है. एक्चुअली सेल के बाहर ही, यू कैन सी द रेड पार्ट इज जस्ट आउटसाइड द सेल, बट जो डीएनए है वो अंदर जा रहा है. ठीक है, इन द सेम केस यहाँ पे भी तुम लोग देख सकते हो, एट द सेम टाइम जो उसका रेडियोएक्टिव डीएनए है वो अंदर चला गया. नाउ यू कैन सी द प्रॉपरली टाइम दिया, इट वाज इन्फेक्टिंग एंड ऑल हो गया. फिर उसका जो प्रोटीन कोट था बाहर का. हाँ सर, बीच में आपका आवाज जा रहा है, थोड़ा आराम से बोलिए. ओके, एक्चुअली शोविंग भी लूज कनेक्शन ऐसा सब कुछ. सो okay, let's try again. So I will repeat this part. तो हमारे पास है दो टाइप्स के बैक्टीरियोफाज. यहाँ पे जो रेड कलर इंडिकेट दिखाई दे रहा है दैट इंडिकेट्स रेडियोएक्टिविटी. ओके, तो इन फर्स्ट केस यहाँ पे प्लीज ट्राई टू लुक एट द कर्सर. ये जो फर्स्ट पार्ट है यहाँ पे जो आउटर पार्ट है या फिर जो प्रोटीन कोट है दैट इज रेडियोएक्टिव विच इज नथिंग बट अ रेडियोएक्टिव सल्फर. इन दिस केस दो डीएनए है दैट इज रेडियोएक्टिव and the baki ka jo part hai that is normal. So in this case only the DNA is radioactive because it contains radioactive phosphorus. Now humne usko infect karaya and we all know in case of viruses jab bhi infection hota hai sirf jo DNA rehta hai wo jata hai inside the host cell jo ki apna in this case kya hai, E. coli is a host. So only virus ka jo DNA rahega that will go inside the host cell and the proteins will remain outside. So kya hua in this particular case, we can see in a first case uska DNA is a normal, it's not radioactive, wo andar chala gaya. However jo protein tha which is actually radioactive wo bahar hi reh gaya. Because of this ye jo cells the they are normal, they are not having any radioactive element. However on the other part we can see jo radioactive DNA tha
वो ऑलरेडी सेल्स के अंदर चला गया है. इट मीन्स नाउ द सेल्स आर रेडियोएक्टिव बिकॉज ऑफ द रेडियोएक्टिव फास्फोरस इन द डीएनए एंड द प्रोटीन जो थे उसके विच वर ऑलरेडी नॉर्मल वर स्टेइंग आउटसाइड द सेल ओनली. तो वो तो बाहर ही. सो द सेल नाउ ओनली कंटेन्स द रेडियोएक्टिव फास्फोरस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डीएनए. फिर हमने उसको सेंट्रीफ्यूज किया टू सेपरेट आउट द सेल्स. तो हम लोग को सेल्स अलग चाहिए थे और ये जो प्रोटीन पार्ट वायरस का वो अलग चाहिए. तो जब भी हम लोग उसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं, सेंट्रीफ्यूज करना मतलब एट वेरी हाई स्पीड हम लोग उसको रोटेट करते हैं, तो दैट सेपरेट हो जाता है. जो भी उसमें सेडिमेंट ना डेंस पार्ट रहेगा वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगा और जो भी उसका लाइटर वेट पार्ट रहेगा वो ऊपर आ जाएगा. सो जो भी अगर नाउ दिस इज एवरीथिंग इज अ लिक्विड पार्ट, तो उसमें जो भी सॉलिड पार्ट रहेगा लाइक इज द सेल वो सब नीचे जाएंगे और द प्रोटीन कंटेनिंग वाटरी पार्ट विल बी अबव द सेल्स. तो इसको हम लोग बोलते हैं सुपरनेटम. ओके, सो नाउ हम लोग क्या करेंगे, वी विल चेक बोथ सुपरनेटेंट एज वेल एज द सेल्स एंड विल चेक कि उसमें कौन सा रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स है. सो नाउ लेट्स सी इन अ फर्स्ट केस. हमने सबसे पहले सेल्स लिया एंड वी चेक कि कोई रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स है क्या. तो फर्स्ट थिंग, तो उसके पास नो रेडियोएक्टिव सल्फर वॉज डिटेक्टेड. इसका मतलब क्या था कि अगर सल्फर नहीं है इट मीन्स कि नो प्रोटीन इज गेटिंग एक्चुअली ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वायरस टू द बैक्टेरिया. ओके, आई होप दिस इज क्लियर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो द फर्स्ट पार्ट शोड अस दैट कि प्रोटीन्स या प्रोटीन से प्रोटीन ट्रांसफर हो नहीं रहे, जो भी हो रहा है वो सिर्फ डीएनए हो रहा है एंड इन दिस केस डीएनए इज नॉट रेडियोएक्टिव एंड दैट्स व्हाई वी आर नॉट एबल टू डिटेक्ट इट. सो इट प्रूव दैट नो सल्फर वॉज डिटेक्टेड इन अ सेल, सो इट मीन्स प्रोटीन्स आर नॉट बीइंग ट्रांसफर. हाउएवर दिस शोड दैट कि फिर उन्होंने जब सुपरनेटम को चेक किया विच वॉज द वॉटरी पार्ट, they observed that the supernatant was containing the radioactive sulfur. It means कि हाँ radioactivity है proteins में है, but proteins cannot be transformed from virus to the E. coli. तो फिर क्या transform हो रहा है वो देखने के लिए उन्होंने second case को भी check किया. यहाँ same में उन्होंने उसको centrifuge किया, cells को अलग किया, supernatant को अलग किया. And what they observe in this, when they check the cells were a radioactive cells. Why? Because cells ke paas DNA tha, jo ki virus ne inject kiya tha and which was radioactive. So that's why radioactivity was detected and they proved that yeah, phosphorus is a present in a cells which is a part of DNA. Matlab agar phosphorus cells mein hai, to obviously DNA bhi present. Matlab it is because of DNA. Aur iska matlab ek hi hai ki haan. वायरस ने डीएनए को इंजेक्ट किया है इन अ इकोलाइज से. तो दिस प्रूव दैट कि हां डीएनए ट्रांसफर हो रहा है और डीएनए इज अ ट्रांसफॉर्म फ्रॉम बैक्टीरियोफेज टू द इकोलाइज. सो वो प्रूव हो गया. देन दे वर लाइक ओके लेट्स चेक कि अगर वो सेल्स के पास रेडियोएक्टिव प्रोटीन भी है या नहीं, या फिर प्रोटीन है क्या नहीं. तो उन्होंने चेक किया तो ऑब्वियसली सेल्स के पास तो नहीं होगा बिकॉज प्रोटीन कैनॉट एंटर द सेल. At the same time, जब उन्होंने सुपरनेटन चेक किया, in a सुपरनेटन they found that yeah, virus का protein coat is there, it is present, but no phosphorus is present. So there was no radioactivity in a case of सुपरनेटन. It was only in case of cells. And this now proved that yes, only DNA can be transformed from a virus to the bacteria and not proteins. And that's why DNA is a genetic material in a organism. I hope now you understood how they explain or prove that DNA is a genetic material. They use radioactivity, phosphorus and sulfur. When they observe radioactive phosphorus in a cell, they proved that DNA cannot be transferred. DNA can be transferred. However, when they did not see any radioactive protein in a cell, this proved that proteins cannot be transformed from virus to the E. coli. And that's how they proved that DNA is a genetic material. I hope it is clear and you understood why and how they proved that DNA is a genetic material.
इज इट क्लियर? कुछ डाउट होगा तो प्लीज पूछो. सर उस टाइम मालूम था कि मतलब डीएनए में फास्फोरस होता है और इसमें प्रोटीन में सिर्फ सल्फर होता है, उस टाइम मालूम पड़ चुका था. हमें पता था, वी वर नोइंग, सो डीएनए मतलब बेसिक हम लोग को पता था. बट देन इफ यू रिमेम्बर जब मैंने फ्रेडरिक मिक्सर का एक्सपेरिमेंट बताया था, इवन एट दैट टाइम जब मिक्सर ने किया था इन 1869 एक्सपेरिमेंट किया था, एट दैट टाइम उसे इतना नहीं पता था कि ओके उसमें डीएनए उसमें क्या क्या है, मतलब ओके जो न्यूक्लिन है उसके जो उसको न्यूक्लिक एसिड लग रहा है वो क्या क्या था. बट उसको इतना पता था कि उसके कंपोनेंट्स क्या क्या है, उसके प्रॉपर्टीज क्या क्या है. एंड वन ऑफ द एक्सपेरिमेंट व्हिच ही हैड डन, इफ यू जस्ट चेक आई विल शो यू, उसने बोला था कि जो न्यूक्लिक एसिड है दैट कंटेन्स फॉस्फरस. सी यू कैन सी द न्यूक्लिन हैज अ हाई फॉस्फरस कंटेंट, दिख रहा है सबको? हाँ सर. या सो वो उसने 1869 में प्रूव किया था. एट दैट टाइम ओनली प्रॉब्लम वाज दैट कि ही वाज नॉट नोइंग कि डीएनए है या आरएनए है करके. बट ऑब्वियसली 1869 टू 1944 इट वाज क्वाइट अ लॉन्ग स्पैन, एंड एट दैट टाइम वी वर नोइंग दैट न्यूक्लिक एसिड कैन आर ऑफ टू टाइप्स. यू कैन सी द नेक्स्ट स्लाइड आल्सो. या बाय दैट टाइम दे वर नोइंग दैट या न्यूक्लिक एसिड के दो टाइप्स होते हैं, आरएनए एंड डीएनए. सो हमें पता था कि डीएनए के पास क्या क्या होता है और कैसे कैसे होता है. ओनली थिंग व्हिच वी वर नॉट नोइंग कि डीएनए का टिपिकल स्ट्रक्चर क्या है. ओके व्हाट इज द टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, एंड दैट्स व्हाई बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो अनक्लियर थी एट दैट टाइम. डीएनए का स्ट्रक्चर इसी के इसके बाद ही समझा गया. इट वॉज found or discovered in 1953 and Hershey Ortiz ने प्रूव किया था in 1952. तो उसके एक साल बाद ही उन्होंने प्रूव किया था Watson and Crick ने that DNA has a typical helical structure, double strands on. But till now we were knowing कि there is something called as DNA, there is something called as genes, and the DNA is composed of nucleotides and the basic difference between DNA and RNA. वो हमें पता था. So yes, that was more. और कुछ? No sir. Yeah. कोई और कुछ तो बोल रहा था आई थिंक, बट आवाज ब्रेक हो गया. इफ किसी को नेटवर्क इश्यूज लग रहा है एंड दे आर नॉट एबल टू स्पीक यूजिंग द माइक, प्लीज यूज चैट बॉक्स फॉर योर कन्वीनियंस. बट क्वेश्चंस पूछो, दैट इज अ गुड थिंग. सो विद दिस आई से कि ओके हम लोग के एक्सपेरिमेंट खत्म हो गए एंड नाउ वी अंडरस्टूड दैट यस डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल. बट नाउ आई वांट यू ऑल टू डू जस्ट थ्री इंपॉर्टेंट लाइक जस्ट रिकॉल यू तुम लोग को ये सब पता है कि व्हाट आर द केमिकल कंपोनेंट्स ऑफ द डीएनए, व्हाट आर द स्पेशल फीचर्स ऑफ द डीएनए एंड व्हाट इज द क्रोमोसोम. एंड नाउ everyone, at least I want to give तुम लोग सबसे मुझे चाहिए what are the chemical components of DNA and everyone is going to write it down in a chat box. See there are 69 मतलब मुझे छोड़ के और मैम 67 students currently in a lecture और I want each one of you to give me chemical components of DNA. But कैसे? Chat box open करने के बाद there is an option send to all, not send to everyone. Send to only Tejas, उतना ही, because I don't want everyone to just copy paste एक दूसरे के answer and send. So send me privately what is the chemical component. Sir, private chat disabled किया है, allowed नहीं है. Oh, is it? Right, okay, send it to everyone then. क्या कर सकते? Send it to everyone. Yeah, but मुझे 67 reply दिखना चाहिए basically.
The very first question was the what is the chemical components of DNA, जो तुम सबों ने मुझे बताया. Very good. The next question was what are the special features of DNA, and the third question was what is a chromosome. So who will tell me what is a chromosome? Sir, it's a condensed form of DNA. Yes. It is a condensed form of DNA. जो किस कहाँ पे रहता है? Sir, cell के न्यूक्लियस में प्रेजेंट रहते हैं. Yes. So, it is a condensed form of a DNA which is generally present in a nucleus of a cell. That is correct. So that is a chromosome. Now we will say कि हमें सेल को क्यों हमें क्यों उसको कंडेंस करना है. व्हाई डू वी नीड टू कंडेंस क्रोमोसोम डीएनए टू फॉर्म अ क्रोमोसोम एंड टू फिट इट इनटू अ न्यूक्लियस. क्यों जरूरत है ये सब करने की वो हम लोग देखेंगे. बट बिफोर दैट जस्ट टेल मी व्हाट आर द बेसिक फीचर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर डीएनए. तुम लोगों ने मुझे अभी उसका केमिकल कंपोजिशन बताया, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट. टेल मी व्हाट आर द अदर बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ अ डीएनए. क्या क्या है उसमें? आई थिंक तुम लोगों ने वॉटसन एंड क्रिक का मॉडल ऑलरेडी स्टडी किया है इन योर 11th स्टैंडर्ड. सो प्लीज गिव मी अ ब्रीफ अबाउट वॉटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए. डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता. या दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड द फर्स्ट पॉइंट. इट इज अ डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर. नेक्स्ट और क्या है? व्हाट इज द अदर पॉइंट? कितने स्ट्रैंड्स होते हैं उसके पास? यस या इट इज डबल स्ट्रैंड. और कोई तो कुछ तो बोल रहा था, उसका क्या? स्ट्रैंड्स आर एंटी पैरेलल. या उसका स्ट्रैंड्स आर एंटी पैरेलल, दैट इज आल्सो करेक्ट. सो वी हैव टू स्ट्रैंड्स, वन इज फ्रॉम 3 टू 5 3 प्राइम टू 5 प्राइम एंड अदर इज अ 5 प्राइम टू 3 प्राइम. और ये स्ट्रैंड्स के बीच में जो पेयरिंग है वो कौन से टाइप की रहती है, कौन से बॉन्ड्स रहते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड. या करेक्ट. बेसिकली आई थिंक नाउ यू कैन सी द स्लाइड्स, राइट? यस सर. ग्रेट. हेलो. या सॉरी, आई एम सॉरी, द एक्चुअली वो म्यूट हो गया था. आई डोंट नो क्या हो रहा है, बट ओके, आई एम सॉरी. आई विल जस्ट रिपीट दैट. या दिस इज अ टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए. मैं बोलता जा रहा था एंड इट वाज ऑन म्यूट. आई एम सॉरी फॉर दैट. ओके, सो इट इज अ टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए. यू कैन सी डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर. एक है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, अनदर इज 3 प्राइम टू 5 प्राइम. और ये जो ग्रे कलर का बैंड दिख रहा है और पट्टा दिख रहा है, दैट इज नथिंग बट अ शुगर फॉस्फेट बैकबोन व्हिच कंसिस्ट ऑफ
फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड जो कि दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में बनता है. एंड देन बिटवीन द टू स्ट्रैंड देयर इज अ कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग. जब यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं बिटवीन द टू स्ट्रैंड्स. एंड देन डायमेंशन दिए क्या उसका डायमीटर इज 2 नैनोमीटर. एक टर्न का साइज 3.4 नैनोमीटर बिटवीन द टू बेसिक टू बेस पेयर्स और टू न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में कितना डिस्टेंस होता है 0.34 नैनोमीटर. तो इन दिस वे दे हैड प्रपोज्ड द स्ट्रक्चर हु जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक व्हेन इन 1953 ऑन व्हाट ऑफ ऑन बेस ऑफ व्हाट बेस्ड ऑन द एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी स्टडीज जो कि किसी और ने प्रोवाइड किया था. हु वाज द पीपल बिहाइंड दैट मॉरिस विल्किंस एंड रोजालिन फ्रैंकलिन. ओके दिस इज अ टिपिकल मतलब उसमें बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं. न्यूक्लियोटाइड किससे बनता है डीऑक्सीराइबोस शुगर नाइट्रोजन बेस्ड फॉस्फेट ग्रुप. देन द नाइट्रोजनस बेस जो प्रेजेंट होते हैं इन डीएनए आर ऑफ टू टाइप्स. इट कैन बी प्यूरिन और पिरिमिडिन. प्यूरिन हो गए तो देर आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्यूरिन एडेनिन एंड ग्वानिन जिसको हम लोग ए एन जी बोलते हैं. एंड पिरिडिन साइटोसिन एंड थाइमिन दैट इज सी एंड टी. ओके नाउ वी ऑल नो डीएनए इज अ डबल स्ट्रैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर. The two strands of DNA actually shows complementary base pairing. Now, I hope you understand what is complementary base pairing. Some of you just mentioned that the two strands are anti-parallel. The two strands are anti-parallel, correct. But they are having a specific pairing between the two strands. So, jo A rahega on one strand will always pair with the T on the other strand. In the same way, the C on the one strand will pair with the G on the other strand. And isse hum log bolte hain complementary base pairing. प्लीज जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड डीजी. ओके ए एंड टी के बीच में दो हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनते हैं. सी एंड जी के बीच में थ्री हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनते हैं. एंड दैट्स व्हाई टेल मी विच वन विल बी द मोर डिफिकल्ट टू ब्रेक. अगर मुझे डीएनए को ब्रेक करना है बीच में से तो विच विल बी मोर डिफिकल्ट टू ब्रेक ए टी रहेगा या सी जी रहेगा. तीन हाइड्रोजन वाला दैट इज सी एंड जी. तो सी एंड जी के बीच में साइटोसिन एंड ग्वानिन के बीच में थ्री हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनते हैं. सो दैट इज अ कॉल्ड एज बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्री बेस्ट पेयरिंग. एंड देन इट फॉलोज चारगाफ्स रूल. एनीवन नोज व्हाट इज चारगाफ्स रूल. कैन एनीवन टेल मी चारगाफ्स रूल क्या होता है. मैंने ऑलरेडी यहां पे मेंशन करके लिखा है व्हाट इज चारगाफ्स रूल. सो चारगाफ्स हैज प्रपोज्ड दैट इन डीएनए द टोटल अमाउंट ऑफ प्यूरिन विल बी इक्विवेलेंट टू टोटल अमाउंट ऑफ क्या क्या आता है ए एंड जी मतलब ए प्लस जी इज इक्वल टू सी प्लस जी. दैट इज वॉट गिवन बाय चारगाफ्स एंड इट इज नोन एज चारगाफ्स रूल. ओके इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. प्लीज 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 नोट इट डाउन. अगर तुमको पता नहीं था आई होप सबको पता होना चाहिए बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ वॉटसन एंड क्रिक्स मॉडल. बट स्टिल इफ समवन हैज मिस्ड इट एट दैट टाइम अभी याद रखो बिकॉज यू विल गेट मेनी क्वेश्चंस बेस्ड ऑन चारगाफ्स रूल इन योर एंट्रेंस एग्जाम. ओके सो फॉर दैट पॉइंट ऑफ व्यू एंड वी ऑल नो डीएनए इज अ हेलिकल स्ट्रक्चर. सो देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ मेजर एंड माइनर ग्रुप. सो देयर आर सम नॉचेस कुछ थोड़ा डीप रहता है कुछ थोड़ा स्मॉल रहता है दैट इज कॉल्ड एज ग्रूव्स. एंड देन डायमेंशंस आई थिंक दिस यू ऑल नो यू डायमीटर टू नैनोमीटर में क्या रहता है. एंड देयर आर 10 बेस पेयर्स इन वन कंपैक्टर. सो दिस इज जस्ट अ समरी ऑफ what is the basic structure of DNA. Now why I am telling you this is not given in your book, but I think before starting the next part of your chapter which is the packaging of DNA you should know the basics first ki DNA ka structure kya hota hai. And I hope tum log ko abhi samjha hai ki what is the basic structure of DNA and wo kaise hota hai. Theek hai so now hello sir. Ha bolo सर. वो सेकंड लास्ट पॉइंट है ना मेजर एंड माइनर ग्रुप्स वो समझ में. हाँ ओके सो ठीक है तुम्हें एक टिपिकल डायग्राम दिख रहा है अभी.
तो तुम लोग देख सकते हो कि यहाँ पे दो स्ट्रैंड से जो कि एक दूसरे के हेलिकल फॉर्म में मतलब एक दूसरे के ऊपर कॉइल हो चुके हैं, दिख रहे हैं सबको? Yes. तो ये जो ये वाला पार्ट, ये जो पार्टिकल लोगों से थोड़ा अंदर गया है डीएनए का एक पार्ट विच इज वेरी नैरो और इनसाइड गया है. इफ यू कैन सी द कर्सर तुम लोग समझेगा, ये पार्ट को हम लोग बोलते हैं मेजर ग्रू. ग्रू मतलब क्या, ऐसा थोड़ा सा खड्डे से जगह लाइक नैरो पार्ट. तो दिस इज कॉल्ड एज अ मेजर ग्रू. और ये जो उसका ऑपोजिट पार्ट है यहाँ पे देखो थोड़ा कम जगह, इट इज नॉट दैट डीप इनसाइड एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज माइनर ग्रू. So this why here major and minor grooves are forming because the two strands of DNA are coiled around each other. When एक दूसरे के ऊपर से coiled form में है, this uses the typical helical structure, and because of that, it forms this typical major and minor group. This is typical structural properties of the DNA. कि कुछ part होगा deeper रहेगा, कुछ part होगा वगैरह not that deep रहेगा. So that is just a typical feature. You can see. So now this is the structure of DNA. ये जो part है that is a narrow that is a major group. ये जो part है that is a minor group. तो ऐसे there are some parts of DNA जिसको groups हैं. Groups important है. तुम लोग पूछेंगे क्यों क्यों चाहिए? First thing तो वो अपने आप form होते हैं because DNA का structure ही वैसा है helical. और उसका हम लोग को benefits क्या है? ये जो groups हैं वहाँ पे जाके different proteins bind करते हैं. Which are required for different properties and different functions of a DNA. So we all know DNA can interact with different types of proteins and all. अगर मुझे DNA को कोई small nucleus में अगर package करना है in a form of chromosome, so condense करना है, so there are different proteins which are involved in a process and these proteins actually go and bind at the grooves. So that's why they are of importance basically. Now I hope you understand what is groove. The diagram itself explains what is groove. So that is fine. If that is clear, अगर समझा होगा तो we will move. और okay, Saurabh, did you understand? Yes, sir. Yeah, great. So now the time is almost up. हम लोग में 8:35 हो गया है. So I will not extend the lecture, but this is your kind of